दोस्तों, बॉलीवुड के नवाब यानी कि सैफ अली खान ने वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स में सरताज का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। उनके इस किरदार की क्रिटिक्स ने जमकर तारीफ भी की थी और सेक्रेट गेम्स की जोरदार सफलता के बाद सैफ अली खान एक और वेब सीरीज करने की तैयारी में है। इस वेब सीरीज का नाम है तांडव और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर। बताया जा रहा है कि ये मशहूर अमेरिकन शो हाउस ऑफ कार्ड्स से इंस्पायर्ड होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी इस नई वेब सीरीज को लेकर एक्साइटेड हैं? अगर हाँ तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि हमारे पास इस वेब सीरीज तांडव को लेकर काफी एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं। दोस्तों, नेटफ्लिक्स का हाउस ऑफ कार्ड एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जो कि एक राजनीतिज्ञ के अमरीकी राष्ट्रपति बनने तक की कहानी है। वो और उसकी पत्नी ये काम करते हैं ताकि वो बदला ले सकें उन लोगों से जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। इस शो में हॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स केविन स्पेसी, रॉबिन राइट और माइकल केली नजर आए थे। इस शो को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। हालांकि खबर है कि तांडव इस शो का हिंदी वर्जन नहीं है, वो सिर्फ इस शो से इंस्पायर्ड होगा। सैफ ने एक बार कहा था कि लोग ये ना सोचें कि तांडव शो हाउस ऑफ कार्ड का हिंदी वर्जन है। दोस्तों, तांडव भारत की एक कहानी होगी जिसमें आपको ग्रामीण भारत नजर आएगा। पहले एक वेब सीरीज में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा चुके सैफ अली खान तांडव में एक नेता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, सैफ ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि तांडव में उनका किरदार चाणक्य की तरह होगा, लेकिन उसका लुक युवा नेता की तरह होगा जो कि एक बड़े घराने से आता है और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। बताया जा रहा है कि जब सीरीज को लिखा जा रहा था तो राइटर गौरव सोलंकी के दिमाग में दूर दूर तक सैफ का नाम नहीं था, लेकिन स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद राइटर डायरेक्टर समेत तमाम लोग इस रोल के लिए सैफ का नाम ही लेने लगे थे। दोस्तों, खबरें हैं कि इस सीरीज के साथ डायरेक्टर अली अब्बास जफर वेब सीरीज की दुनिया में अपना डेब्यू करेंगे। अली अब्बास जफर ने कई हिट फिल्में दी हैं जिनमें भारत, टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी फिल्में शामिल हैं। पहली बार अली अब्बास जफर सैफ के साथ काम करने जा रहे हैं, इसलिए सैफ के फैंस को इस जोड़ी से काफी उम्मीदें हैं। दोस्तों, इस सीरीज को लेकर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले फिल्म की शूटिंग लोकेशन को लेकर काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। इसके बाद सैफ ने एक शूटिंग लोकेशन को लेकर अपनी हवेली की पेशकश की थी। इसके बाद कुछ सीन्स की शूटिंग सैफ अली खान की हवेली यानी कि पटौदी हवेली पर ही की गई है। इसके अलावा ऑफिस वाले सीन्स की शूटिंग भी सैफ की हवेली में ही की गई है। इस सीरीज के स्टार कास्ट की बात करें तो इस शो में सैफ अली खान के अलावा डिम्पल कपाड़िया और सुनील ग्रोवर समेत कई कलाकार नजर आएंगे। डिम्पल ने सैफ के साथ कॉकटेल और बीइंग साइरस जैसी फिल्मों में काम किया है। कहा जा रहा है कि ये शो इसी साल के अंत तक रिलीज किया जाएगा और आपको ये शो अमेज़न प्राइम पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आप भी सैफ अली खान को एक दमदार किरदार में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।